के सामने हमारे खड़ी है टाटा सफारी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग गाड़ियों में से एक है। स्टार्ट करेंगे इसके एक्सटीरियर के फ्रंट लुक से। सेंटर में हमें देखने को मिलता है टाटा का लोगो। ऊपर हमारे यहाँ पे फ्रंट में कनेक्टिंग डीआरएल आ रही है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। पियानो फिनिशिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। प्लस कहते अगर मैं बात करूँ इसकी ग्रिल की, वो भी पियानो फिनिशिंग के साथ आ रही है। इसी के नीचे मैं बात करूँ तो बम्पर भी ज़िगज़ैग पैटर्न में प्लस सिल्वर सैटन फिनिशिंग दे रखा है, और लुक्स गाड़ी काफ़ी तगड़े रहने वाला है। सेंटर में जो टाटा का लोगो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा तगड़ा लग रहा है। और गाइस अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के यहाँ पे हेडलाइट के बारे में, तो यह प्रोजेक्टर हेडलाइट हमें दे रखी है। और अगर आप इसका ऊपर का मॉडल लोगे तो आपको यहाँ पे फोग लैंप भी मिल जाएंगे। पियानो फिनिशिंग के साथ आ रही है, सफारी का लोगो बन रखा है, बैजिंग ऐसे दे रखी है, और गाड़ी का जो फ्रंट लुक है कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। अब बात करेंगे गाड़ी के यहाँ पे एयरोडायनामिक लुक के बारे में। जैसे मैं इसके साइड में जाता हूँ तो यार जो कट्स दिख रहे हैं ना आपको, तो यार इसके ये जो कट्स हैं इसको काफ़ी अच्छा खासा एयर डायनेमिक लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये गाड़ी 150 की स्पीड में भाग रही है तो यार बबल निकलने वाली एयर टर्बुलेंस को चीरती हुई निकल जाएगी ये। प्लस गाइस यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर हमें दे रखे हैं, और अच्छी खासी क्वालिटी में मिल रहे हैं हमें। सामने रेन सेंसर है हमारा, और गाइस जो लुक है इसका ओवरऑल जो फ्रंट का लुक है वो कुछ इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जाएंगे इसके साइड लुक में, देखते हैं साइड में देखने में गाड़ी कैसी लगेगी। जैसे मैं इसके साइड में आता हूँ ना, तो यार यहाँ पे हाईलाइट होते हैं हमारे R17 इंजन के टायर, जो कि यार यहाँ पे स्मूथ कट में आ रखे हैं और लुक्स गाड़ी के एकदम चकाचौंध कर रहे हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। प्लस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइड में आते हुए, तो यहाँ पे सफारी की बैजिंग मिलती है। प्लस नीचे की साइड यहाँ पे मैट फिनिशिंग में हमें लैग पैड मिलते हैं। प्लस गाइस इसके ऊपर जैसे मैं आता हूँ तो यहाँ पे हमें ऑटो फोल्डिंग में ही ORVM देखने को मिलते हैं। इसी के अंदर हमें इंडिकेटर देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे हमें कम्प्लीटली पियानो में पिलर देखने को मिलता है। ऊपर रूफ ग्रिल रहने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे को। और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा अलग सा ही लुक आ रहा है, यहाँ पे तगड़ा सा लुक आ रहा है। तो यार गाड़ी का जो साइड लुक है कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यार 205 mm का यहाँ पे हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि गाइस इंडियन रोड के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है। अब बात करें इसके बैक लुक के बारे में, जैसे मैं इसके पीछे की साइड आता हूँ तो यहाँ पे मैं देखने को मिलते हैं कनेक्टिंग टेल लैंप, प्लस यहाँ पे LED सेटअप देखने को मिलता है लाइट्स का। और गाइस यहाँ पे डिफोगर का ऑप्शन हमें नहीं देखने को मिलता, बट यहाँ पे हमें एक वाइपर दे रखा है, बैक लाइट दे रखी है, स्पॉइलर दे रखा है, शार्क फिन एंटीना ब्लैक कलर में दे रखा है, और ख़ास बात यह कि सनरूफ भी दे रखी है। और जैसे मैं नीचे की साइड आता हूँ तो यहाँ पे सेंटर में टाटा का लोगो देखने को मिलता है, नीचे की साइड इसके कैमरा देखने को मिलता है, सफारी का क्रोम में यहाँ पे लोगो आ रहा है। प्लस गाइस नीचे की साइड बम्पर जो डुअल टोन में है, ब्लैक और सिल्वर सैटिन फिनिशिंग के साथ बम्पर आ रहा है। दो पार्किंग सेंसर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि गाइस एक अच्छी बात है, सेफ्टी को देख के इसकी काफ़ी सही है ये। और गाड़ी का जो लुक है बैक कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपको कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यार ओवरऑल जो गाड़ी के लुक्स हैं कुछ आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे, जो कि गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और इस टाइप का यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री देखने को मिलती है। अच्छा खासा रिमोट है, बट ये पुराना स्टाइल वाला है। चलते हैं गाड़ी के अंदर की साइड। तो यार अंदर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा इसके डोर के बारे में। डोर की बात करूँ तो यहाँ पे कम्प्लीटली फैब्रिक में दे रखा है, ये सॉफ्ट टचिंग में पूरा। यहाँ पे विंडो कंट्रोलर्स दे रखे हैं, प्लस यहाँ पे सिल्वर सैटिन फिनिशिंग में हमें यहाँ पे ओपनिंग डोर हैंडल देखने को मिलता है। और लुक्स गाड़ी का कुछ डोर का इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोलर देखने को मिलते हैं। अब चलते गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर मैं बैठ गया हूँ। सबसे पहले मैं की साइड में रखूँगा और इसके AC की स्पीड को थोड़ा कम करते हैं। तो यार अंदर बैठने के बाद मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पे। इसको देखिए गाइस, ये क्या है, क्या रहने वाला है, ये हैंड ब्रेक है। जी हाँ गाइस, ये हैंड ब्रेक है। ऐसा लग रहा है कि एरोप्लेन उड़ा रहे हो। पियानो फिनिशिंग में दे रखा है, लुक गाड़ी के इसको और इससे खासकर गाड़ी के लुक काफ़ी तगड़े रहने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि जहाज़ उड़ा रहे हैं हम लोग। गाड़ी का स्टेयरिंग ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे सेंटर में हमें LED में ही मतलब इनबिल्ट स्क्रीन के अंदर यहाँ पे टाटा का लोगो देखने को मिलता है। मल्टीपल कंट्रोल देखने को मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस गाइस वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का, कॉल अटेंड, कॉल कट का, वॉइस कमांड का, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, प्लस यहाँ पे मल्टीपल मोड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे कैमरे का भी, अगर आपको यहाँ पे कैमरा ऑन करके देखना है तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है व्यू का।
तो गाइस ये रहे स्टेयरिंग के कुछ ऑप्शंस। और गाइस डी कट में हमें यहाँ पे स्टेयरिंग देखने को मिलता है, सॉफ्ट टचिंग के साथ आता है जो कि। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 10.25 इंचेस के यहाँ पे डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पे सेम डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और लुक्स कार का काफ़ी डिफाइन कर रही है ये। बात करूँगा इसके डैशबोर्ड से, डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल देखने को मिलता है, रफ टचिंग मटेरियल यहाँ पे है। और गाइस यहाँ पे स्मूथ मेटल दे रखा है। बात करूँगा इसके एसी वेंट के बारे में, तो एसी वेंट हमें सिल्वर सैटन फिनिशिंग दे रखे हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यार स्क्रीन के अंदर ही हमें सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। स्क्रीन के अंदर यार ये ना कुछ अच्छा खासा ये चीज़ें रहने वाली है, क्योंकि यार ये कुछ नई टेक्नोलॉजी है ये। क्योंकि डिस्प्ले के अंदर अगर फीचर हमें मिले तो ये सब टच पैनल पे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। तो यार जैसे ही मैं इसकी स्क्रीन से नीचे आता हूँ तो यहाँ पे एसी वेंट दे रखे हैं, और इसी के नीचे की साइड में बात करूँ तो सारे एसी के ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। और इसी के नीचे जैसे मैं आता हूँ तो यहाँ पे हमें 45 वोल्ट का अच्छी खासी यहाँ पे पावर चार्जिंग के लिए हमें ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से हम अपने मोड्स कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे हमें पूरा गियर हैंडल दे रखा है, इसमें 6 गियर ऑप्शन के साथ ही हैंडल हमें देखने को मिलता है। अगर आपको रिवर्स मारना है तो यहाँ पे एक क्लच दे रखा है, इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ से खींच के, मतलब इसको ऊपर करने के बाद यहाँ से हम रिवर्स गियर को एक्सेस कर सकते हैं। नीचे की तरफ जैसे मैं आता हूँ, जैसे मैंने बताया था एंटर करते कि यहाँ पे हमारे हैंड ब्रेक दे रखे हैं, जो कि गाइस लुक वाइज काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। और इसी के नीचे हमें एक बॉटल होल्डर और कप होल्डर कह रहे हो, ये चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे हमें हैंड रेस्ट अच्छा खासा दे रखा है, जो कि गाइस एडजस्टेबल है, मतलब एडजस्टेबल हैंड रेस्ट दे रखा है। प्लस गाइस यहाँ पे नीचे की साइड एक स्पेस देखने को मिलता है, और इसके अंदर भी हमें 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट देखने को मिलता है, और 5 वोल्ट का USB टाइप और C टाइप हमें पोर्ट देखने को मिलता है। करते हैं इसको बंद। अब मैं बात करूँगा इसके ग्लव बॉक्स के बारे में, तो जैसे हम इसे खोलते हैं तो काफ़ी स्मूथिंग में खुल रहा है, और ग्लव बॉक्स काफ़ी अच्छा खासा स्पेस के साथ इसका आता है। अब बात कर रहा हूँ गाड़ी की कंफर्ट के बारे में। कंफर्ट की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी कुशनिंग में सीट दे रखी है, अच्छा खासा लेग सपोर्ट देखने को मिलता है, थाई सपोर्ट, और अच्छा खासा यहाँ पे शोल्डर सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस गाइस अगर मैं बात करूँ तो यार यहाँ पे 6-6 एयरबैग का सपोर्ट देखने को मिलता है सेफ्टी के तौर पर, प्लस यहाँ पे 6-6 स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं बात करूँ जैसे मैं इसके ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ तो यार IRVM में काफ़ी सिंपल में दे रखे हैं, अच्छा खासा सन डिफेंडर दे रखे हैं, टिकट होल्डर यहाँ पे देख रखा है, प्लस यहाँ पे हमें बड़ी सी सनरूफ दे रखी है जो कि पैनोरमिक सनरूफ है। और यहाँ पे हमें LED में इंटर लैम्प देखने को मिलता है। यार ये टाटा वालों ने ये जो बटन है थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, बाकी तो यार ये अच्छा लगता है वैसे मेरे को, लेकिन थोड़ा सा लाइक टिप टॉप वाली जो अगर लाइट आ जाए तो यार वो अलग ही लुक देगी। और गाइस यहाँ पे भी हमें एक सन डिफेंडर दे रखा मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमारा मिरर नहीं दे रखा, आई डोंट नो क्यों नहीं दे रखा, अच्छी खासी तो गाड़ी है, देना चाहिए था, फोल्डिंग में यहाँ पे होने चाहिए थे, लेकिन सिंपल में है, बट कोई बात नहीं। अब गाइस मैं बात करूंगा इस गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर के बारे में, तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको इंटीरियर देखने को मिलता है फ्रंट से। अब चलें गाड़ी की पीछे की साइड और देखते हैं पीछे से इंटीरियर हमें कैसे देखने को मिलेगा। तो यार पीछे की साइड से गाड़ी का लुक कुछ इस टाइप का रहने वाला है। गेट की बात करूँ तो यार फैब्रिक में आ रहा है कम्प्लीटली, सॉफ्ट टच में है ये, सिल्वर सैटिन फिनिशिंग में ओपनिंग डोर हैंडल दे रखा है। चलते गाड़ी के अंदर यार देखते कैसा फील हो रहा है। तो यार आगे की सीट अब सेट कर दी है मैंने ड्राइविंग पोजीशन पे, और यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है 4-5 इंच का गैप, ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पीछे की साइड बैठे कुछ व्यू आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है, और साइड में मेरे जैसे 3 बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं। हैंड रेस्ट का ऑप्शन आपको इस मॉडल में देखने को नहीं मिलता, बाकी जो लुक से गाड़ी के बहुत तगड़े निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा इंटीरियर लैंप में LED लाइट दे रखी है, और यहाँ पे सिंपल हैंडल दे रखे हैं, कोई फोल्डेबल हैंडल नहीं है। और जो गाड़ी के लुक्स है आपको कुछ इस टाइप पे देखने को मिलते हैं। पीछे बैठ के कंफर्ट की बात करूँ तो यार अच्छा खासा यहाँ पे थाई सपोर्ट देखने को मिलता है मेरे को, मतलब तो थाई सपोर्ट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और कंफर्ट भी गाड़ी का अच्छा खासा रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ तो यार पीछे की साइड हमें 5 वोल्ट का 2.4 एम्पीयर का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलते हैं, USB और टाइप सी में हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और अच्छा खासा लुक्स दे रखे हैं। तो यार गाड़ी को बैठ के मतलब अंदर बैठ के पता लगता है कि गाड़ी में कितनी फीलिंग अच्छी रहने वाली है। तो यार गाड़ी के अगर जैसे मैं पीछे की साइड आता हूँ तो पीछे 2 जनों की जगह दे रखी है, ज़्यादा बड़े लोग तो यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे, मतलब यहाँ पे 15-16 साल के बच्चे आराम से बैठ जाएंगे, और गाड़ी में स्पेस है उन्हीं के लिए। और यहाँ पे भी हमें चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन देखने को मिलता है अच्छा खासा, और फैन स्पीड का भी कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि गाइस टाटा ने बहुत ज़्यादा अच्छा खासा काम कर रखा है। एसी वेंट यहाँ पे दे रखे साइड में, और हर एक पैसेंजर के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट का ऑफर भी अच्छे से दे रखा है, ऊपर LED सेटअप दे रखा है यहाँ पे। अब चलते गाड़ी को, मैं आपको पीछे दिखाऊंगी कैसी लगती है।
तो खोल के देखते पहले से। तो यार अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ ना, इसके यहाँ पे लीवर दे रखा है, इसको खींचिए तो ये फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक लीवर है, इसे खींच के ये फोल्ड हो जाएगा। और इसके साथ आपको यहाँ पे 420 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस जिसमें आप अच्छे खासे बड़े लगेज लेके जा सकते हो। फिलहाल आप इसे बंद करते हैं। और इसका जो ये काफ़ी भारी है, मतलब क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, टाटा का लोहा है यार, तो मानना तो पड़ेगा ही। अब बात करूंगा इस गाड़ी के यहाँ पे टोटल ओवरऑल डिटेल्स के बारे में। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ प्राइस के बारे में, तो 22 लाख की आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगी। प्लस मैं बात करूँगा ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। टॉप स्पीड के बारे में बताओ तो 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी भाग सकती है। 12 से 15 किलोमीटर पर लीटर का ये आपको माइलेज दे देगी। और अगर बात करूँ सेफ्टी रेटिंग की, तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो यार और क्या ही चाहिए, आपको गाड़ी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बताइए गाड़ी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।